हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि BD इक्वल 3 CD। देखिए ज्यादा गिवन नहीं है, मैं थोड़ा लिखा भी कम हूँ। BD इक्वल 3 CD, बस इतना गिवन है जी। ठीक है, BD इक्वल 3 CD। आपको प्रूव करना है 2AB² + 2AC² + BC² ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ में क्या कर सकते हैं। Proof. It is given that BD equal 3 CD. ठीक है जी, BD equal 3 CD. तो हमें BC के टर्म में लिखना है। ठीक है, BC को CD को BC के टर्म में लिखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BC equal, इस पूरे BC को भी मैं लिख सकता हूँ CD plus BD लिख सकते हैं जी। तो BC इक्वल CD और प्लस BD की जगह क्या, 3 CD मैंने पुट कर दिया। तो BC इक्वल क्या आ गया जी, 4 CD आ गया। तो हम 4 को इधर भी ला सकते हैं, 1/4 BC इक्वल CD, ये आ गया, ये आ गया। चलिए अभी हमारे पास गिवन क्या है, BD इक्वल 3 CD। ठीक है जी, BD इक्वल क्या गिवन है, 3 CD गिवन है। तो मैं BD इक्वल यहाँ 3 और CD का वैल्यू देखिए, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है CD का वैल्यू, हम लोगों ने अभी भी निकाला 1/4 BC, 1/4 BC। यहाँ पे BD इक्वल कितना हो जाएगा, 3/4 BC। चलिए बस बस अब यहाँ तक कर लिए, आपका काम इजी हो गया। नाउ करते हैं, नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB, ADB में, ठीक है, ADB। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा जी, AB² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या जाएगा जी, AB² इक्वल AD² + BD², ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को लेते हैं, एन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा जी, इस ट्रायंगल में अगर लगाना है तो AC² को क्या हो जाएगा, AC² AD² + CD², ठीक है जी, ये आ जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर टू थोड़ा सा ऊपर से इरेज करता हूँ ताकि आप लोग नोट कर लिया होंगे आई थिंक। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए जी, AB² - AC² इक्वल क्या हो जाएगा, AD² + BD² -AD² - CD² स्क्वायर होगा, स्क्वायर छोटा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि AD प्लस माइनस और एक प्लस में कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, AB² - AC² = BD² - CD². अब यहाँ देखिए BD का वैल्यू कितना, BD का वैल्यू 3/4 BC, यहाँ पे लिख देंगे 3/4 BC का होल स्क्वायर, ठीक है जी, -1/4 BC। देखिए CD इक्वल कितना, 1/4 BC, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे का सारा इरेज कर देता हूँ। ठीक है,
नीचे सारे अरेंज कर दिया। अब इसको बस अब इसको कैलकुलेशन करना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल, इसका स्क्वायर करें 3 3 9 माइनस 4 4 16, बी सी स्क्वायर माइनस 1 by 16 बी सी स्क्वायर, इसका एडिशन कर लेते हैं तो 16 आएगा जी, 16 तो यहाँ क्या 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ तो रहेगा जी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल। यहाँ पर यहाँ पर क्या जाए 9 बी सी स्क्वायर में 1 बी सी स्क्वायर चला जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बी सी स्क्वायर बच जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल क्या 8 बी सी स्क्वायर बाई 16, तो 8 टू जा 16, 2 को इधर से मल्टीप्लीकेशन, 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं इसको इधर भेज देते हैं, 2 ए बी स्क्वायर इक्वल 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए यही तो लाना था, यही लाना था ना, देख लीजिए 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बहुत ईजी से आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस इसको चेंज कर लिया मैंने सभी को बी सी, क्योंकि हमें देखें हमें सी डी भी नहीं चाहिए था, हमें सी डी भी नहीं चाहिए था, वी डी भी चाहिए, हमें बी सी चाहिए था, और ए सी और ए बी तो पहले ही आ गया था, बाकी तो बी सी लाना था, इसलिए मैंने क्या किया सी डी बी सी के टर्म में उसको चेंज कर दिया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,